नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एगलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत की मोदी सरकार ने जितना बड़ा काम किया उससे ज्यादा भारतीय सरकार का साथ देकर साबित किया है कि या ना अमेरिका की तरह हड़बड़ाहट को जगह है और ना चीन, इटली और ईरान की तरह घबराने वाले लोग बसते हैं। संभवतः इसीलिए आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश ने एक कीटाणु को बेअसर कर दिखाया है, पर इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया के बाद अब पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। हालत यह है कि अगले 10 दिनों में यहां एक बड़ा तांडव शुरू हो सकता है। अमेरिका ने देर रात एडवाइजरी जारी करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को चौथे स्तर की लिस्ट में डाल दिया है। बड़ी बात यह है कि इसके लिए निर्माणाधीन सीपैक को भी जिम्मेदार बताया गया है, जिसकी वजह से यहां बड़ी तेजी से संक्रमण फैल रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि आने वाले 10 दिनों के भीतर यह संख्या 5000 से ऊपर हो सकती है। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने के कारण बहुत से तहमतबाज हुरों की तलाश में निकल सकते हैं। पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान में संक्रमित लोगों की संख्या 184 पर पहुंच गई है, जो हर घंटे बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। यह सरकारी आंकड़े हैं, पर कहने वाले यही कहते हैं कि इमरान लोंडा अपनी नाकामी को छिपाने के लिए वास्तविक आंकड़े भी छिपा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के वामान इलाके से बड़ी संख्या में सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिक रोजमर्रा के कामकाज और धार्मिक यात्रा के लिए ईरान जाते हैं। पिछले साल ही ईरान में मुस्लिम धर्म के पवित्र स्थलों को देखने के लिए 1,20,000 पाकिस्तानी ईरान की यात्रा पर गए थे। इस बार ईरान से वापस लौटने वाले पाकिस्तानी लगभग 5,000 से ऊपर हैं, जिनमें सैकड़ों लोग ईरान से संक्रमित होकर लौटे हैं। बड़ी बात यह है कि तापमान सीमा पर स्क्रीनिंग की सुविधा नहीं होने के चलते उनमें से अधिकांश अपने घरों को लौट गए हैं, जहां पर यह रोग अब कहर पर पाना शुरू कर चुका है। बड़ी बात देखिए, 2 दिन पहले सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर जफर मिर्जा ने कश्मीर राग तो अलापा, मगर इस मुश्किल से बचने के उपाय नहीं बताए। इसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान के पास कोई रोड मैप नहीं है और वह अल्लाह, इंसान अल्लाह के नाम पर बिस्मिल्ला कर रहा है। इमरान पिछवाड़ा उठाए आईएमएफ के सामने लंगर डाले हैं और तहमतबाज इस्तंजा करने के लिए पहाड़ पर चढ़े जाते हैं, यानी हुक्मरानों की पिछड़ी बज रही है और जनता पहाड़ की चोटी पर खड़ी इमरान को अगाड़ी दिखा रही है। जाहिलों के देश में बजा बजाई और दिखाई का खेल चल रहा है। ऐसे में इनकी तसरीब में केमिकल रिएक्शन का लोचा होना लाजमी है। हालात यह है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी मदद की गुहार लेकर चीन भाग गए हैं, मतलब सार्क देशों की अहम बैठक में इमरान लोंडे की तस्वीर पर थपकी देकर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले पाकिस्तान के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। यहां पर 184 मामलों के अतिरिक्त खैबर पख्तूनख्वा में 15, बलूचिस्तान में 10, पंजाब में 2, राजधानी इस्लामाबाद में 2, गिलगित बाल्टिस्तान में 5 मामले भी सामने आए हैं, यानी 24 घंटे के भीतर ही पॉजिटिव लोगों की संख्या 3 गुनी हो चुकी है। अकेले सिंध प्रांत में ही 115 मामले सामने आए हैं, जिसकी इमरान सरकार जांच करा रही है। यहाँ हफीजाबाद में इमरान नाम का एक व्यक्ति हुरों की खोज में निकल चुका है। सिंध की राजधानी कराची के हालात ऐसे हैं कि इलाज में जुटे डॉक्टरों को संसाधनों की कमी के कारण आइसोलेशन में भर्ती करना पड़ा है। स्थिति यह है कि अस्पताल में सेवारत 800 मेडिकल स्टाफ के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी पर्याप्त तौर पर उपलब्ध नहीं है। अब इमरान खान ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को कटोरा देकर भीख मांगने चीन भेजा है, ताकि मदरसा पैदाइश को हुरों की खोज में जाने से बचाया जा सके। यानी जब दुनिया अपने बूते अपनी लड़ाई लड़ रही है, यह मुल्क इमदाद के लिए हाथ फैलाए अफलातून बना घूम रहा है। पर मामला यही खत्म नहीं होता। ईरान के मसाद और कोम शहर से अल्लाह का प्रसाद लेकर लौटे पाकिस्तानी अब उस प्रसाद को पाकिस्तानी सेना को पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद 8 से ज्यादा सेना के अधिकारी भी संक्रमित हो गए हैं। ईरान से लगती 956 किलोमीटर लंबी सीमा और चीन से 523 किलोमीटर का बॉर्डर उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। तापतान बॉर्डर बंद होने के बाद भी ईरान गए पाकिस्तानी छुपकर पाकिस्तानी सरहद में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि चीन से लगती सीमा को पाकिस्तान ने अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं किया है, जिसके बाद सीमावर्ती इलाकों में यह रोग बहुत तेजी से फैल रहा है। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात इटली से बुरे होने की ओर बढ़ रहे हैं। पर मजे की बात यह है कि मदरसा छाप मुल्क में मुल्लाओं की चांदी कट रही है। कई मुल्लाओं ने इस रोग को औरत मार्च की करतूत बताया है, जिसके बाद यहां एक दूसरे के तहमत खींचने का अभियान जोर पकड़ गया है। यानी चाइना से गिरने वाला कीटाणु मदरसे पर आकर अटक
अटक गया है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।